हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो पहले देखेंगे ये कंपनी आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, उसके बाद जानेंगे इसका टेक्निकल चार्ट कैसा है, उसके बाद जानेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 809.95, लो गया था 780 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने रिटर्न दिया है 1.74% के एंड क्लोज हुआ है लगभग 795 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है आपका ₹6,967 करोड़ एंड पीई रेशियो है 37.44। इस कंपनी ने लास्ट ईयर में ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया है ₹595.67 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट हुआ है 186.10 करोड़। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹21.23, रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.72% एंड आरओसी है 9.01%। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 25.88% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 19.68%। ये जो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, इस कंपनी में DII का होल्डिंग है 40.48%, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 33.6%, पब्लिक का होल्डिंग है ओनली 15.02% एंड FII का होल्डिंग है 10.9%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं यहाँ पे, लेकिन 40% से थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज्यादातर थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन एक अच्छा बात भी है, देखिए जितना भी ये प्रोमोटर्स का होल्डिंग उसमें, लेकिन कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल आपका जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 100% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी में रेवेन्यू भी आपका ज्यादा होते जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का देखिए हर एक ईयर में थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा होते जा रहा है। मतलब कंपनी आपका थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा है, जो कि आपका फंडामेंटल एक अच्छा बात है। एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है 46.95% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पर जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, आज का डे पे यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज 50 डेज एंड 200 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर टटकता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, आपका 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉसओवर फॉर्म होने वाला है, और अगर एक बार एक क्रॉसओवर फॉर्म हो गया तो ये शेयर का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ वीक से गिर रहा था, लेकिन ये शेयर गिरते गिरते जब ये आपका 50 डेज मूविंग एवरेज का जो ये रेड वाला लाइन है इसके नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जस्ट आपका 3-4 वीक पहले यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। एंड तब से देखिए ये शेयर थोड़ा बहुत अपट्रेंडिंग है। एंड आपका वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस तीनों लाइन के बहुत ही ऊपर है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। RSI भी देखिए अपट्रेंड हो चुका है और लगभग 60 का लेवल है, वहां तक पहुंच भी चुका है। और MACD यहाँ पे अभी भी आपका आपका न्यूट्रल पॉइंट पे है। मतलब डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका ₹795, अगर इसी प्राइस पे लगभग इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 2 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर ये शेयर आपका 900 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।